आगे लगा हुआ था कैमरा, आगे मेरे पैरों के पास गिरा तो मैंने उसको वहीं दबा दिया, नहीं तो कल ये कैमरा ही फूट जाता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने मेडल लगा दिए और ऊपर लिखा है एवी वॉलीबॉल। ठीक है, तो यार हमारी खाट वाट सब ऐसी पड़ी रहती है गाइस, सब ऐसी। टू माय न्यू व्लॉग, ताज व्लॉग की स्टार्टिंग होती है हमारे छत से। छत से इसलिए कि मुझे हो गया भाई जुकाम। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी धूप ले लूँ, और आज है घर में सबका फास्ट, मेरा ही फास्ट नहीं है। और जो भी कुछ है आपको व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और देखो भाई धूप देखो तुम, आज तगड़ी धूप निकली। पर यहाँ ये लोग क्या बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो भी कुछ बनेगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और पूजा करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। तो आज है नवरात्र का आठवां दिन, अष्टमी। तो ये चीज़ें गाय को खिलाने के लिए रखी हुई हैं, और ये जो होता है जो आज पूरे दिन जलने वाली है। और हमारे लड्डू गोपाल, और हमारे छोटे लड्डू गोपाल, और ये माता रानी। ठीक है, तो ये अष्टमी है, और फिर अष्टमी कल नौमी हो जाएगी, अब परसों दशहरा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूजा का कार्यक्रम, मेरी जो आवाज़ है ना, जो आवाज़ वो अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा, और आज आवाज़ का इस पूरी आवाज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट एक दो दिन ऐसी रहेगा जब तक जुकाम मेरा सही ना हो जाए, बट मैं आपके लिए व्लॉग बनाता रहूँगा। ठीक है, जुकाम होने के चक्कर से तो हम बनाने जा रहे हैं चाय। कल भी चाय पी थी और आज भी चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि सर में हो रहा दर्द, और जब तक थोड़ा बहुत चाय ये सब नहीं, कड़ा वड़ा नहीं पिया जाएगा ना, जब तक सारा सीन सही नहीं होगा। सबसे पहले बना लेते हैं चाय, दूध तो है, तो चाय बनाते हैं और खाते हैं। कॉफ़ी बना लूँ क्या चाय? तो गाइस हमारी जो चाय है वो बन चुकी है ये भी। ठीक है, चार पराठे, तो ये हमारा चल रहा ब्रेकफास्ट, तो इसको खा लेते हैं। और आपको व्लॉग है वो लास्ट वाला, उसको एडिट कर लेते हैं तो उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, बट उसके बाद में ये दो काम है मैं जो आपको आगे व्लॉग के अंदर बताऊंगा, और क्या क्या प्रॉब्लम हुई वो भी दोनों चीज़ बताऊंगा, और वो कैसे सही होंगी। ठीक है, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं अपना जो व्लॉग है मैं उसको एडिट कर लूँ, तब जाके जो आगे की जो चीज़ है मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस कल क्या हुआ था कि कल मैं गया था बाहर। ठीक है, तो जब मैं अपनी स्कूटी चला रहा था मोटर व्लॉगिंग के लिए, तो इसके आगे देखो ये यहाँ पे मैंने चिपकाया हुआ था, ये कहाँ गया माउंट, ये वाला ये पीछे लगा, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, और ये चलाते चलाते छूट गया। तो अच्छा हुआ कि जो कैमरा था ये आगे लगा हुआ था, कैमरा आगे मेरे पैरों के पास गिरा तो मैंने उसको वहीं दबा दिया, नहीं तो कल ये कैमरा ही फूट जाता। ठीक है, तो इससे बच गया, बट अब मैं इसको लगाऊंगा तो मेरे पास एक और माउंट है, बट मैं सोच रही चिपकाने वाला सिस्टम बढ़िया जाता, तो कोई प्लास्टिक की अच्छी चीज़ ले कर मैं आज इसको चिपकाऊँगा। ठीक है, तो कल बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता, बट नहीं हुआ। अभी तो नया नया भैया ये चालू ही किया, और अभी ये नुकसान हो जाता तो ये अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो इसको हम करेंगे थोड़ी देर बाद, और मैं जाके सबसे पहले फेविक्विक लेके आता हूँ, तो तब मैं इस चीज़ को सही से सोच रहा हूँ। यहाँ पे हम एक अपने जो मेरे पास जितने मेडल है मैं उनको यहाँ पे टांगूँ, या इस तरफ या इस तरफ, मैं तो घड़ी के पास ही टांग दिया जाए सबसे अच्छा रहेगा। तो वो है कहाँ, वो है कहाँ, ये वो मेडल्स। अभी सिल्वर प्ले बटन का मेरा फ्रेमिंग का सेटअप नहीं आया है, यहाँ पे दिखे ठीक है स्टोरी में किसी चीज़ में, तो उसको यहाँ सेट करेंगे मेरे हिसाब से। तो पहले मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर लगाते, पहले इसको देखते साफ करके। वॉलीबॉल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको टांगते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने अपने मेडल लगा दिए और ऊपर लिखा है एवी वॉलीबॉल। ठीक है,
तो यहाँ से कोई भी आएगा तो सामने उसको मेडल दिख जाएंगे, ठीक है। और मुझे ऐसी अपनी जो ट्रॉफी है इसके लिए भी दो स्टैंड मंगाने साइड में, तो यहाँ पे ट्रॉफी रख दी जाएंगी ऊपर, तो उसका ही फ़ायदा होगा कि ये ट्रॉफी गंदी हो जा रही बार बार। तो वैसे मीशो या ऑनलाइन आते हैं मतलब 200-250 रुपए का ट्रॉफी स्टैंड आता, तो उसको लगा देंगे तो ट्रॉफी जो टेबल पे रखी है वो वहाँ पे चली जाएंगी, तो वो डेकोरेटिव टाइप में हो जाएगा। और सिल्वर प्ले बटन जस्ट उसके नीचे लगाएंगे कि हम कोई वीडियोज़ बोलें तो मेरे बैकग्राउंड में आना चाहिए, कोई स्टोरी लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करेंगे, तो ये वाला काम तो फिनिश हो गया। तो सेकंड काम गाइस ये था कि मैं बता रहा था जो मेरा हेलमेट था, देखो इसके अंदर मैंने लगाया था यहाँ पे अपना ये लगाया था ऐसे, बट कल क्या हुआ था, कल ये टूट गया। तो मैं सोच रहा हूँ इसको फेविक्विक से चिपकाया जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि वो जो टेप लगी थी ना मेरे पास एक रखी है, दो तो मैं बेकार हो गई, अगर उससे अच्छे से चिपक जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मुझे दूसरा कहीं से ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, और कल 50,000 रुपये बचे, क्योंकि भाई तो भाई अब स्कूटी चला रहा था और तुरंत ही वो माइक ऐसे गिरा नहीं चुकती, कैमरा ऐसे गिरा नहीं चुकता, वो मेरे पैर में लगा और रुक गया, बच गया, बस बच गया, नहीं तो कल घाटा हो सकता था। तो इसको चिपका, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये छूटेगा भी, ठीक है, बट अगर इसके बाद भी छूट गया तो गाइस कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फेवी कॉल से चिपकाए, फेवी किट लेकर आए चिपकाए, इससे तो जो चीज़ चिपक जाती है वो चिपक जाती है ना अच्छे से। पर यार इस पर पता है हेलमेट पे जब से आया जब से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो ही रहा है, पर क्या कर सकते हैं, मुझे लग रहा भी परमानेंट हो गया है, क्योंकि ये एक बार परमानेंट हो जाएगा, सीधा ही चिपका, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो पर कोई नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ बट इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा तो टेढ़ा हुआ है हल्का से, तो उसको भी चेक करके देख लेंगे, क्योंकि परफेक्ट। तो ये तो अभी लग गया इसका ही जो माउंट है, और इसको एक बार सेट करके देखते हैं, इसका एंगल देखते हैं, चेक करके किस तरीके से हेलमेट लगा के एक बार दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा ढीला है, देखो अब कैसी आ रही है। तो अब मुझे नहीं लग रहा है हिलेगा यार, अगर हिलेगा अब भी अगर, क्योंकि फेविक्विक से चिपका दिया तब तो नहीं हिलना चाहिए। देखो ये सारा सामान है मेरा, उसका गोप्रो के साथ जो मुझे मिला, देखो ये गाड़ी का है, ये भी बहुत सारे पोर्ट है यार, बहुत सारी चीज़ें, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, मुझे ये नहीं पता यार किस किस चीज़ के लिए दे रखे, कभी फ्यूचर में यूज होंगे तो बताऊंगा, गाड़ी लूँगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे घर के पास हो रहा है जागरण, तो आज रात को वहाँ पे होगा जागरण, तो वहाँ मैं आपको दिखा दूँ। तो ये वो लोकेशन है जहाँ रात को होने वाला है जागरण, ठीक है, टेंट वेंट लग रहा बढ़िया तरीके से, तो यहाँ होगा जागरण, और धूप हो रही है तगड़ी सी, ये हमारी छत, हमारी खाट वाट सब ऐसी पड़ी रहती है गाइस, सब ऐसी, तो खाट, तो ये रात भर आज डिस्टर्ब नहीं कर सकते, एक तरीके से यहाँ ऐसी होगा भाई, पूजा पाठ होगी। तो ये इस तरीके से, मैं देखो मेरे घर में पेंट भी रखे, बहुत सारी चीज़ें, मेरा ये वॉलीबॉल का नेट है सेटअप, इसको भी हम निकाल सकते हैं चेक करने के लिए। तो अब सबकी छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो ये है भाई इतना सारा सामान, ये भी इसके साथ एक पोर्ट मिला था, बट इसका मैं यूज़ कर नहीं रहा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे कि अलग से इसको लगाओ, ये पट्टा वट्टा ये सब, तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट सेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। सामान बहुत सारा था, तो ये इस तरीके का सारा व्यू, तो इसको चेक करो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो अच्छी बात है, आगे हम चलेंगे अभी शाम को थोड़ी देर खेलने के लिए, तब मैं आपको वहाँ प्रॉपर व्यू अपनी स्कूटी से दिखाने वाला हूँ। और आज हो गया मुझे, तो मैं ऐसे बोल के बना सकता हूँ आराम से, मैं सर प्रतीक सर आए, फ्रांस सर आए गाइस, तो पर ये होता है सर कि अगर हम बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे मैं गेम खेलता हूँ, एक हेड माउंट आता है इसी में गोप्रो का, तो उसको हम सर पे लगा लेते हैं और इस कैमरे को यहाँ सेट कर लो, खेलो। एक आता है चेस्ट का आता है, अगर आपका मतलब ऐसा ना हो, क्रिकेट के अंदर नहीं होता सर, हेलमेट पहना होता है उस पर सेट कर लेते हैं, क्रिकेट का पूरा मैच खेलते हैं, इसीलिए इसका नाम एक्शन कैमरा। अब व्लॉगिंग कर रहे हैं तो, पर ये है कि सर
आप जब इस चीज़ को लगा के चालू कर लोगे तो आपको मतलब आप जब बाइक चलाओगे तो आपको फिर एक अलग फीलिंग आएगी, मतलब क्योंकि दिखता जाता है क्या हो रहा है। मुझे दिख रहा है सब क्या क्या ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ ऐसा। हाँ तो फीलिंग थोड़ी चेंज हो जाती है ऐसा। तो ये सर सेट किया मैंने अभी परसों ही, मेरे पास कैमरा तो बहुत दिन से रखा था, फिर मैंने हेलमेट काफ़ी टफ और मुझे आज काफ़ी ज़्यादा फीवर था, बट जैसा भी था आज का ब्लॉग काफ़ी बढ़िया था। मेरे घर के बगल में चल रहा है जागरण और रात भर चलने वाला है, वैसे भी सर दर्द हो रहा है और इन्होंने क्या ही बोलूँ, जो भी था अच्छा था। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।